गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ डे फाइव। और डे फाइव में देखिए, आज है आपकी बुक निकालिए, ट्विलाइट बुक, उसमें जो है डे फाइव है उसका पेज नंबर 10 करेंगे हम, ठीक है। देखिए, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना, एंड राइट सुटेबल क्वेश्चन अबाउट द आंसर, ठीक है। देखिए, आपको रीड करना है सेंटेंस को जो दे रखा है, उसके बाद राइट सुटेबल क्वेश्चन अबाउट द आंसर, और जो इसका आंसर है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका सुटेबल क्वेश्चन है जो बनता है वो आपको इसमें लिखना है। सो देखिए, नीचे आपको एक बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में से आपको चूज करना है और यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिखना है। देखिए, फर्स्ट है आई लिव इन कोलकाता, ठीक है, आई लिव इन कोलकाता। तो कोलकाता क्या है, वो बोल रहा है कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, ठीक है। तो आई लिव इन कोलकाता, तो ये तो आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस आपको, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसमें हम क्वेश्चन करेंगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो उसका आंसर है आई लिव इन कोलकाता, ठीक है। उसके बाद में है दिस मिल्क इज़ नॉट प्योर, जो ये मिल्क है, ये दूध है, ये प्योर नहीं है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इज़ दिस मिल्क प्योर, क्या यह मिल्क प्योर है, ठीक है। उसके बाद में है द बॉयज़ आर स्विमिंग, जो बॉयज़ है वो स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन बोलेंगे वॉट आर द बॉयज़ डूइंग, जो बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, तो वॉट आर द बॉयज़ डूइंग, ठीक है। यू नो द आंसर, तुम जानते हो इसका आंसर, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हमें ऑलरेडी दे रखा है, आई डोंट नो द आंसर, मुझे नहीं पता इसका आंसर, मैं नहीं जानता। द बुक इज़ इन ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पर है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द बुक। मीन्स कि देखिए, हमें ये आंसर ऑलरेडी पहले से दे रखे थे, हमें इसके क्वेश्चंस सेट करने थे, क्वेश्चंस लिखने थे इस बॉक्स की हेल्प से, तो मैंने यहाँ से चूज़ करके और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। सो ये बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को लिखना है और कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपका होमवर्क है, देखिए नीचे मैं दे रही हूँ, डे फाइव का होमवर्क है, आंसर दिस क्वेश्चन इन योर ऑनवर्ड्स, ये आपको खुद सेल्फ करना है, क्वेश्चन पढ़कर देखिए। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, सो आपको यहाँ पर लिखना है खुद को, आई हैव वन ब्रदर, टू ब्रदर, जो भी है आपको लिखना है। डू यू हैव एनी पेट, क्या आपके पास कोई पेट है, अगर यस तो यस और नो तो नो, अगर नहीं है तो यस लिखोगे और नहीं है तो नो लिखोगे आप। उसके बाद में इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये आपको यहाँ पर लिखना है इसका आंसर। वॉट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। और हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, और आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो ये आपको खुद सेल्फ करना है, कौन सा, सी वाला, बी वाला मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये बी वाला आपको खुद करना है अपनी बुक के अंदर, जो मैंने करवाया है जिस तरह से, लेकिन जो सी वाला है ये आपका होमवर्क है, सी वाला आप अपनी बुक के अंदर खुद करोगे, ठीक है। ये सी वाला जो आपका है ये होमवर्क है, ये वाला, तो ये हमारा डे फाइव का वर्क है जो आपको पूरा अपनी बुक के अंदर करना है। थैंक यू।